बिहार सरकार एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सौगात लेकर के आई है। बिहार के रहने वाले ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है जो नेशनल हाईवे के किनारे अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, यानी सुविधा युक्त और सहज सुंदर ढाबा जिसमें रेस्टोरेंट की सुविधाएं हो, पार्किंग हो और खासकर वॉशरूम के साथ सारी मूलभूत सुविधाएं हो। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार उन्हें अनुदान देने जा रही है। ऐसा ढाबा खोलने वाले लोगों को 50 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार पर्यटन विभाग के मुताबिक अगले 3 सालों में पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर 150 से अधिक लग्जरी ढाबा, रेस्टोरेंट और सुविधा केंद्र खोलने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए विभाग द्वारा पर्यटन केंद्रों तक जाने वाले 23 मार्गों को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर को जोड़ने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि इन 23 रूटों पर 40 प्रीमियम और स्टैंडर्ड सुविधा से लैस ढाबा और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, जबकि 60 बुनियादी सुविधा वाले ढाबा और रेस्टोरेंट खोलने की योजना है। सरकार की योजना है कि पहले से चल रहे ढाबों में और भी सुविधा दी जाए। इसके लिए विभाग निजी निवेशकों और संचालकों को 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का अनुदान भी देगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए पूर्व पश्चिम गलियारे के रूप में चिन्हित किए गए गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज रूट पर सबसे ज़्यादा 18 लग्जरी ढाबा स्थलों जैसे सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। आपको बता दें कि ये रूट सबसे लंबा है और यहीं से यूपी की सीमा शुरू होती है और बंगाल तक जाती है। पर्यटन विभाग के मुताबिक इस रूट में 3 प्रीमियम स्टैंडर्ड और 4 बेसिक सुविधा वाले ढाबा रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। वहीं पहले से संचालित 9 ढाबा को सुविधा युक्त बनाया जाएगा। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज रोड पर 12 और भागलपुर, बांका, जमुई और वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज रूट पर 11 लग्जरी सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है। पटना, आरा, रोहतास, मोहनिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, रजौली रूट में 10-10 लग्जरी सुविधा केंद्र खोलने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। पर्यटन विभाग ने तय किया है कि इस तरह की योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक निवेशक पर्यटन विभाग को आवेदन देंगे। जिन आवेदकों के पास ढाबा, रेस्टोरेंट के लिए सड़क किनारे अपनी ज़मीन उपलब्ध होगी, उन्हें ज़्यादा रियायत दी जाएगी। इसके अलावा सड़क किनारे न्यूनतम आधा एकड़ ज़मीन में चल रहे मौजूदा लग्जरी ढाबा को अपग्रेड किए जाने की वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 लाख रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IVTV।